हमारे पास एमएस एक्सेल के अंदर इफ कंडीशन का बहुत जो है एक रोल होता है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास इफ कंडीशन जो होती है या इफ का जो फंक्शन होता है एमएस एक्सेल के अंदर, उस फंक्शन का काम क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, उसको यूज क्यों करते हैं। तो मोस्टली हमारे पास इफ फंक्शन का काम ये होता है कि हम एक्चुअल में कोई भी किसी भी तरह का जो काम जिसको डिवाइड कर लेते हैं किसमें, दो वेज में, या तो ट्रू पे या तो फॉल्स पे, है ना। अब यहां पे किस तरह से काम होगा कि यहां पे हम चेक करवाते हैं कि कोई भी चीज, व्हाट एवर द थिंग इज, उसको चेक करवाते हैं और वो चेक होती है इफ के बदौलत। सही है, इफ आपको बताता है कि वो चीज या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, और उस ट्रू के बदौलत क्या प्रिंट करना है और फॉल्स के बदौलत क्या प्रिंट करना है। आपने एंड और पढ़ा था, वहां पे सिर्फ दो ही आउटपुट में आते थे, क्या, या तो ट्रू या तो फॉल्स आउटपुट में, है ना। लेकिन इफ के अगर आप यूज करते हैं इफ का, तो उसमें आपको कोई अपनी मर्जी का आउटपुट दिखाना हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब इफ किस तरह से काम करती है, देखिए इसको यूज करने का सिंपल तरीका ये है कि इज इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद इफ आई एफ, सही है, और इसकी उर्दू की मीनिंग क्या हो जाएगी अगर, उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉजिकल टेक्स्ट, और लॉजिकल टेस्ट के बाद वैल्यू इफ ट्रू, और उसके बाद क्या आ रहा है, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, यानी यहां पे आप क्या आएगी, कंडीशन फिर कॉमा। अगर यही कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो यहां पे आप जो भी लिखेंगे आउटपुट में आ जाएगा, या अगर वही कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आप यहां पे जो भी लिखेंगे आपका वो आउटपुट में आ जाएगा। इतना सा काम, कौन सा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इफ कंडीशन हमारे पास जो नॉर्मल इफ कंडीशन है वो तीन हिस्सों में बटी हुई है। पहली चीज कंडीशन, कि वो कंडीशन क्या दे रहे हैं आप, फिर उसी कंडीशन के ट्रू होने पे आप जो कॉमा देके लिखोगे वो एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा। कौन से क्लियर है, पहली कॉमा के बाद। फिर पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो सेकंड पार्ट जो है वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेन टूल के ऊपर आपको कुछ चीज समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से, आपने व्हाट एवर थिंग यू हैव रिटन ओवर देयर, सपोज मैं यहां आता हूं, आपने लिखा इज इक्वल टू इफ, मैं इसकी फॉन्ट साइज अगर थोड़ी बढ़ा देता हूं ताकि आपको ये नजर आ जाए, सही है। इफ अगर मैंने यहां पे कोई कंडीशन दी, सपोज अगर मैंने लिखा टू अगर बराबर है टू के, सही है, तो मुझे क्या बताओ, अब मुझे आउटपुट में इन दोनों के ट्रू होने पे, यानी इस कंडीशन के ट्रू होने पे क्या आउटपुट में दिखाना है, मैं जो लिखूंगा ना वो अपनी मर्जी से सिंगल कोट में लिख सकता हूं यहां पर। कौन से क्लियर है कि टू बराबर है टू के, है ना, कंडीशन इज ट्रू, किसी का नाम लिख दिया, जरदारी की अम्मी का नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो आप यहां पे कुछ भी लिख दो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं कि यस इट इज इक्वल, आपसे क्लियर है, सही है। उसके बाद आप चाहते हैं दूसरी कॉमा, दूसरी कॉमा है ना, अब ये दूसरी कॉमा के बाद जो आउटपुट आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, ये हो गई कंडीशन, ये होगी कंडीशन के ट्रू होने के बाद का हिस्सा जो प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो सेकंड कॉमा आ रही है, अगर टू बराबर नहीं है टू के, है ना, यानी अगर कंडीशन हमारी ये वाली फॉल्स है तो इस कॉमा वाला जो है, यानी ये जो पार्ट है, ये प्रिंट नहीं होगा। कौन सा होगा प्रिंट, जो सेकंड कॉमा के बाद आप लिखेंगे सिंगल कोट के अंदर, वो आपका एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा। आप कुछ भी लिख दें, अब आपके ऊपर आप क्या लिखते हैं, नो इट्स नॉट इक्वल, दैट्स ऑल, फिर आपको फॉर्मूले को कवर कर देना इस तरह से। आंसर क्लियर है, मैं इसी फॉर्मूले को लेके चलता हूं एक्सेल में, यहां आते हैं और इसको यहां पे आके मैं लिखता हूं, और ये देखें पूरा एक टेक्स्ट है, मैं यहां पे लिखूंगा, सही है, इज इक्वल टू इफ, मैं लिखता हूं अगर टू बराबर है टू के तो बताओ इक्वल है, सही है, वरना कॉमा देके बताओ इक्वल नहीं है,
कॉन्सेप्ट क्लियर एंटर। अच्छा जी कोई मिस्टेक की है हमने, यस कौन सी कॉमा सिंगल कोट नहीं डबल कोट में लिख रहे हैं तो बेहतर है क्योंकि इसको सिंगल कोट में एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है डबल कोट जरूर लिखें, राइट इसको कवर किया एंटर किया। अब देखें आ रहा है इक्वल है क्योंकि टू बराबर था ना टू के, लेकिन अगर आप सिर्फ इफ से क्या कर देते हो टू की वैल्यू कंपेयर करवाते हो फोर से तो अब टू बराबर नहीं है किसके फोर के, तो अब ये वाला पहली कॉमा के बाद का जो हिस्सा है ये आउटपुट में नहीं आएगा, क्या आएगा ये आउटपुट में आ जाएगा, सिंपल कंडीशन ट्रू पहली कॉमा के बाद जो भी है एज इट इज प्रिंट कर देगा वो जो भी आपने लिखा डबल कोट के अंदर, सही है। हाँ अगर आप नंबर लिखेंगे तो वो डबल कोट के अंदर ना भी लिखे तो प्रिंट हो जाएंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन नंबर अगर आप डबल कोट के अंदर भी लिखते हैं तब भी खेर कौन से क्लियर है, सही है तो एंटर कर दो दैट्स ऑल। ये आपका इफ फंक्शन है जो काम आता है एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है चलें जी नेक्स्ट में नेस्टेड इफ पढ़ते हैं।